इंडो चाइना टॉपिक 6 कंटिन्यू। हमें पढ़ना है हो ची मिन ट्रेल। ट्रेल मतलब होता है रास्ता। तो वियतनाम जो कि एक छोटा सा कंट्री था, वो इतने बड़े कंट्री जैसे यूएस और फ्रांस से कैसे लड़ाई करता था? तो भैया वियतनाम के पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लेकिन वो लिमिटेड रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करते थे। और ये जो हो ची मिन ट्रेल था ना, इसमें सोल्जर्स और वॉर मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता था, और ज़्यादातर सामान वुमेन्स के द्वारा कैरी किया जाता था। कहाँ पे कैरी किया जाता था? नॉर्थ पार्ट ऑफ वियतनाम से साउथ पार्ट ऑफ वियतनाम में, क्योंकि साउथ पार्ट ऑफ वियतनाम में फ्रांस का रूल चल रहा था। ये जो हो ची मिन ट्रेल है, इसमें जगह जगह पे आर्मी बेसेस, हॉस्पिटल्स थे। और ये ट्रेल को ना 1950 में इसको इम्प्रूव किया गया था, और 1957 से लगभग 20,000 जो सोल्जर्स है वो हर महीना नॉर्थ पार्ट ऑफ वियतनाम से साउथ पार्ट ऑफ वियतनाम जाते थे। और ये ट्रेल जो है ना, ये डायरेक्टली नॉर्थ वियतनाम से साउथ वियतनाम नहीं जाता था। ये कैसे स्टार्ट होता था? नॉर्थ वियतनाम से लाओस जाता था, वहाँ से कंबोडिया, और फिर वहाँ से साउथ वियतनाम घुसता था। यूएस जो है वो रेगुलरली इस ट्रेल को बॉम्बिंग करते रहते थे, मतलब उड़ाते रहते थे बम से, लेकिन कुछ नहीं होता था, वापस से ये लोग रिबिल्ड कर लेते थे तुरंत ही। अब हम देखने वाले हैं द नेशन एंड इट्स हीरोज। इसमें हीरोज वुमेन्स को बोला गया है। उस टाइम पे राइटर्स और थिंकर्स वो लोग पब्लिश करते थे स्टोरीज, प्लेस, बुक्स वुमेन्स को सपोर्ट करने के लिए। 1913 में नेशनलिस्ट फान बाओ चाओ ने एक प्ले लिखा ट्रुंग सिस्टर्स के ऊपर, जिसके कारण और भी जो वियतनामीज वुमेन है ना, वो लोग इंस्पायर हुई, उनमें देशभक्ति का फीलिंग जगा, और वो लोग वॉर में इन्वॉल्व हुई। वियतनामीज वुमेन के बारे में ऐसा बोला जाता है कि उनके एक हाथ में हैमर होता था तो दूसरे हाथ में बंदूक हुआ करता था। वो लोग लगभग 1,000 बॉम्ब्स को न्यूट्रलाइज की, प्लस वो लोग ट्रांसपोर्ट करती थी वेपन्स, फूड नॉर्थ पार्ट ऑफ वियतनाम से साउथ पार्ट ऑफ वियतनाम में। ऊपर से वो लोग 15 प्लेन्स को ना बंदूक से ही शॉट डाउन कर दी थी। और जो हो ची मिन ट्रेल है ना, वहाँ पे 70-80% वुमेन्स ही थी, इसीलिए इनको हीरोज बोला गया है। हमारा लास्ट टॉपिक है द एंड ऑफ द वॉर। यूएस भैया जिस ऑब्जेक्टिव के साथ इस वॉर में इन्वॉल्व हुए थे ना, वो पूरा हुआ ही नहीं। क्यों भैया? क्योंकि वियतनामीज का रेजिस्टेंस अभी भी क्रश नहीं हुआ था। वियतनामीज बोले, ओए भैया यूएस, तुम टैंक लाओ रे, बॉम्ब लाओ, तब भी हम लोग लड़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा देश है। हजारों की संख्या में यूएस सोल्जर्स मारे गए और काउंटलेस वियतनामीज मारे गए, अनगिनत में। इसको ना पहला टेलीविजन वॉर बोला जाता है, क्योंकि डेली जो है ना बैटल्स के सीन जो है वो टेलीविजन में दिखाया जाता था। तो बहुत सारे लोग यूएस को क्वेश्चन करने लगे कि भैया क्यों, मतलब क्या जरूरत था उस वॉर में इन्वॉल्व होने का। तब जाके एक पीस सेटलमेंट साइन हुआ पेरिस में जनवरी 1974 में। तो इससे हुआ क्या कि यूएस और वियतनाम का लड़ाई ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी साइगॉन रिज में और एनएलएफ में लड़ाई चल ही रहा था। तब जाके 30 अप्रैल 1975 में एनएलएफ जो है ना, वो ऑक्यूपाई किया रेसिडेंशियल पैलेस ऑफ साइगॉन को। और तब जाके जो ये नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम में बटा हुआ था ना वियतनाम, वो जाके एक हुआ और वियतनाम इंडिपेंडेंट हो गया। तो यही था हमारा चैप्टर, जो कि इतना बड़ा लड़ाई चल रहा था वो अभी ख़त्म हुआ।